करीब में रेलवे स्टेशन के पास बहुत बड़े धमाके की खबर है। रेलवे स्टेशन के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ है, ये बड़ी जानकारी। आधी रात को धमाके से दहली यूक्रेन की राजधानी, ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें, लगातार कीव पर कब्जे की तैयारी है। धमाके की दहशत से बंकर और बेसमेंट में जो लोग वहां पर अभी भी बचे हुए हैं वो छुप गए। जिस तरह की डर और दहशत इस वक्त देखने को मिल रही है, राजधानी कीव में पश्चिमी शहरों की ओर भाग रहे हैं लोग। अपने कीव को छोड़कर, राजधानी को छोड़कर कीव में बार बार बज रहे हैं हवाई खतरे के सायरन। इस वक्त स्थिति ऐसी हो गई है, खार्किव पर कब्जा हो चुका है रूसी सैनिकों का, दूसरी ओर खेरसन पर कब्जा हो चुका है। कई ऐसे अलग अलग हिस्से हैं जहां पर लगातार, चाहे मारियोपोल की बात करें, जीतोमीर की बात करें, जहां पर हवाई हमले किए गए। कीव में टीवी टावर पर मिसाइल अटैक के बाद उसको तबाह कर दिया गया। वहीं यूक्रेन की राजधानी को फिर से दहलाने की कोशिश में लगातार रूसी सैनिक यहां पर लगे हुए हैं। धमाके की दहशत से बंकर और बेसमेंट में छुप गए लोग। यकीनन जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसने डर और दहशत में सभी को भर के रखा हुआ है। और लगातार स्थिति और ज्यादा, बीच का रास्ता क्या निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज 8वां दिन है यूक्रेन पर रूस का हमला, लेकिन लगातार जारी है। पुतिन की सेना ने राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। और अब से कुछ देर पहले रेलवे स्टेशन पर सेना ने मिसाइल तागी है। यह हमला उस वक्त किया गया जब स्टेशन से लोग रेस्क्यू किए जा रहे थे। आधी रात को धमाके से दहली यूक्रेन की राजधानी, वहीं यूक्रेन में चारों तरफ चीख पुकार या फिर सन्नाटे की खबर है। रूसी कब्जा लगातार अलग अलग हिस्सों में होता हुआ चला जा रहा है। ये तस्वीरें कीव की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धमाकों से यूक्रेन की राजधानी दहल उठी। रात में ये धमाके किए गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। जोरदार ये धमाका, जिसके बाद डर और दहशत में भरे हुए लोगों ने बंकर में जाकर शरण ली। रात भर ज्यादातर लोग जगे रहे। आधी रात को धमाके से दहली यूक्रेन की राजधानी, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। कीव में आधी रात को दो धमाके हुए, जबकि बार बार बज रहा है हवाई खतरे का सायरन। ये तस्वीर भी आपके सामने है। रात भर डर और दहशत के मारे लोगों का क्या हाल रहा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ वहां पर मातम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले, यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है, यूक्रेन ने खेरसन पर रूस के कब्जे की पुष्टि कर दी है, जबकि निकोलेव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं इस वक्त वहां पर स्थिति किस कदर भयावह हो चली है। Ебать, опять же.